राकट देशा कणखर देशा दगड़ांचा देशा। कवि गोविंदाग्रज की कविता का यह वर्णन। कोकण की धरती पर आते ही वास्तव बन जाता है। निरंतर नीला समंदर, हरियाली से लहराते ऊंचे ऊंचे शिखर, शिवकालीन मजबूत गढ़, स्वादयुक्त व्यंजन और सुहाने मौसम के कारण कोंकण की धरती पर्यटकों को अपनी ओर प्रारंभ से ही आकर्षित करती आ रही है। कोंकण की यह भूमि केवल पर्यटन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कोंकण का असाधारण योगदान है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्म से पावन हुआ कोंकण। रायगढ़ के महाड़ स्थित चौदार तालाब का सत्याग्रह, सविनय कायदे भंग करने वाले सानी गुरुजी, शिरढोन की मिट्टी में जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की धक-धकती चिंगारी को ज्वाला बनाने वाला और अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसी सिंह गर्जना करने वाला पालघर कोंकण की मिट्टी का ही हिस्सा है। सृष्टि ने कोंकण पर असीम कृपा की है। कोंकण में बसे केवल इस प्राकृतिक सौंदर्य का नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जड़ें अपने सीने में गहराई तक समाये हुए एक अनदेखे अनछुए कोंकण की अनुभूति करने के लिए सैलानियों ने गोविंदाग्रज की काव्य पंक्ति में वर्णित राकट कणखर कोंकण की ओर फिर से एक बार मुड़ना जरूरी है।